मिस्टर नुमाली मिस्सेर, आज हम बात करेंगे फतूर ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नुमान भाई इस ड्रामे के ऊपर अपना कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू बना के बताओ, हमें आगे से क्या कुछ देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा। तो भैया आज मैं दूंगा आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं वीडियो का, जिसका स्टार्ट कर सके बड़ी सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस ड्रामे की कुछ खास बातों का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर फैसल कुरैशी मतलब बहुत ही ज्यादा यंग लग रहे हैं। मतलब आई मीन जस्ट लुक एट हिम, ही लुक्स लाइक अ 27-28 या मे बी आप कह लो कि मतलब 30 इयर्स का बंदा लग रहा है यहां पे, जबकि इसकी एक्चुअल एज अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो 47-48 के करीब है। भाई सबसे पहले तो कुडूस टू फैसल कुरैशी, यहां पर बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी आपने मेंटेन करके रखी है। और दूसरे नंबर पर हिबा बुखारी भी इस ड्रामे के अंदर कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सिमिलर रोल इन्होंने प्ले किया था दीवानगी ड्रामे के अंदर, लेकिन वहां पर मुझे कुछ इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी जितनी इस ड्रामे में लगी है। खासतौर पर मटकते हुए तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लग रही है हिबा बुखारी जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह कि इस ड्रामे का म्यूजिक बहुत ही सुपर्ब है, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार मैंने इसको पहले कहीं सुना है। कहां पर सुना है, किस जगह पर, कौन सा गाने के अंदर यह म्यूजिक रहा है जिसको उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया। तो भैया वो आपने गाना सुना होगा, ये जिस्म है तो क्या, यहां पर जिस्म 2 का मेरे ख्याल से वो गाना था, बहुत ही कमाल का सुपर्ब सॉन्ग। यहां पर वीडियो मत देखिएगा फैमिली में, लेकिन उसका म्यूजिक अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो उसी का ट्वीक वर्जन है। खैर ओवरऑल चलते हैं भैया स्टोरी की तरफ। यहां पर ये स्टोरी है दो ऐसे कपल्स की जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एक कपल है जिसमें लड़की दिखाई गई है दिलनशी, इसका नाम है। यहां पर इसकी दोस्त होती है रिदा और उसका आगे से भाई, उसके भाई का नाम है हमजा। हमजा और दिलनशी एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। यहां पर काफी टूट कर चाहने वाला बंदा हमजा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है इससे और बस इसके साथ शादी करने के बिल्कुल करीब होता है। यहाँ पर हिबा बुखारी जो कि एक बहुत ही सिंपल लड़की का रोल प्ले कर रही हैं, लग रही हैं काफ़ी प्यारी, लेकिन हिबा बुखारी को मेरे ख्याल से अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए। अच्छा, ये तो हो गया कपल ए, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो कपल बी की स्टोरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर आपको अक्सर ड्रामे का जो एंड दिखाया जाता है वो आपको फतूर के केस में स्टार्ट दिखा दिएगा, जहां पर एक लड़की को दिखाया गया कि मतलब वो बहुत ही थी गोल्ड डिगर टाइप की लड़की, महमल इसका नाम था, कजन है ये बेसिकली हैदर की। हैदर बहुत ज्यादा प्यार करता था महमल से, उसके साथ शादी भी करना चाहता था, लेकिन महमल ने क्या देखा, एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर ली जिसके पास बहुत सारा पैसा था। उसने शादी करने से पहले बताया भी कि भैया मेरे लक्षण इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर मैं डिफरेंट लड़कियों के पीछे भागता हूँ, लेकिन फिर भी महमल ने उसको चूज़ किया हैदर को इग्नोर करके। और लेटर उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है महमल को कि एक्चुअली में उसने अपना प्यार खो के अच्छा नहीं किया, उसको हैदर के साथ ही करनी थी शादी। अब हैदर चूँकि महमल से इतना प्यार करता है कि वो किसी भी दूसरी लड़की का नाम सुनना पसंद नहीं करता, उसकी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से महमल से शादी हो। अब महमल ने चूंकि शादी कर ली है और ऊपर से महमल की एक बेटी भी है, तो वो जितने मर्जी चक्कर लगा रही है लेकिन फिर भी हैदर के दिल में अपनी जगह नहीं कर पा रही। अब भैया हैदर एक ऐसी कंडीशन में जहां पर उसने एक इंसान को खोया और उसका दिल बहुत ही बुरे तरीके से टूटा हुआ है। होता क्या है कि यहां पर हैदर अपनी सिस्टर के घर जाता है जहां पर है एक शादी का फंक्शन, वहां पर हैदर की नजर पड़ती है दिलनशी पर जो कि बड़े अच्छे अंदाज में वहां पर खेल कूद रही होती है और यहां पर देखते ही साथ इसको हो जाता है प्यार। बिल्कुल रियलिटी वाली बात है कि यहां पर मर्द या तो कई कई साल किसी को पसंद नहीं करता और अगर करता है तो एक नजर में ही चूज कर लेता है। अब हैदर को जब ये लड़की पसंद आ जाती है और ऊपर से सरप्राइजिंगली एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं, यहां पर मुझे वो गाना याद आ गया कि हम दोनों एक कमरे में बंद हो गए और चाबी खो जाए तो मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी ये सीन देख के, काफी इंटरेस्टिंग था ये सीन। और आपने नोट किया होगा कि थोड़ी सी जगह दिलनशीन के दिल के अंदर बन जाती है इसी पॉइंट पर हैदर के लिए, और फिर बाद में जिस तरह से उसका रिश्ता भी आ जाता है यहां पर फौरन से ये इन्फॉर्म करती है हमजा को, कहती है कि भैया मेरा तो रिश्ता आ गया, भैया नहीं लगता उसका बॉयफ्रेंड लगता है, उसको कहती है कि यार मेरा रिश्ता आ गया और अब मैं क्या करूं। तो वो काफी ज्यादा जुनूनी होकर अपने पेरेंट्स के साथ करता है डिस्कस और पेरेंट्स उसके कहते हैं कि भैया स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है, वो एक छोटे घराने की लड़की और हमारा ये स्टैंडर्ड है, हम लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे जैसे टिपिकल पेरेंट्स करते हैं जो थोड़े से अमीर होते हैं, यहां पर आप कह लो कि गरीब पेरेंट्स जब अमीर हो जाते हैं। अब हमजा इतना जुनूनी यहां पर बिल्कुल भी पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, वो कहेगा
कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर मेरी दिलनशी के साथ शादी नहीं हुई वो जाएगा समंदर के किनारे और वहाँ पर लहरों में कहीं खो जाएगा, पता नहीं क्या होता है बेचारा, कि गिर पड़ जाएगा या अगवा हो जाएगा, जो भी कंडीशन बनेगी आई डोंट नो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये बनेगी कि भैया इसको ढूंढते ढूंढते जब हमजा के पेरेंट्स जाएंगे सीधा दिलनशी के घर में और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हमारा बेटा कहाँ पर है, तो दिलनशी का भाई ये कहेगा कि हमें क्या पता, वो कहेंगे अपनी बहन से पूछो, वो कहेगा उसको क्यों पता होगा। तो यहाँ पर माँ बहुत ही बदतमीजी कर देगी हमजा की कि उसका अफेयर चल रहा है, यानी कि दिलनशी का अफेयर चल रहा है हमारे बेटे हमजा के साथ। अब ये बात दिलनशी के भाई को बिल्कुल भी नहीं भाएगी और यहाँ पर वो एक रख के लगाएगा दिलनशी को और कहेगा कि मैं तो तुम्हें पता नहीं क्या समझता था, तुम क्या निकली। घर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि मतलब एक बहन अपनी भाई की आंखों की नज़रों में गिर गई है, अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और दूसरी तरफ माँ भी ये कहेगी कि लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी इज्जत, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसके नतीजे में ये होगा कि मतलब अपने घर वालों की इज्जत को बचाने के लिए दिलनशी क्या करेगी, शादी के लिए हामी भर देगी हैदर के साथ। अब हैदर के साथ इसका शादी का फंक्शन होगा बहुत ही कमाल का, यहां पर दिल तो नहीं चाहेगा इसका शादी करने को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ऐसे में जब पता चलेगी ये बात हमजा को अपनी बहन के थ्रू कि भैया यहां पर शादी हो रही है दिलनशी की, तो वो फौरन से जाएगा शादी के फंक्शन पे अपनी आंखों से देखने के लिए और बहुत ही ज्यादा सैड होगा, रोते हुए भी इसको दिखाया जाएगा। इसके दिल में गम के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी होगा कि मतलब वो क्या करे, लेकिन वो एक राइट टाइम का इंतजार करेगा, यहां पर सोचेगा कि इसका बदला वो दिलनशी जरूर लेगा। अब हैदर की शादी के फंक्शन पे आपको महमल भी दिखाई देगी जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट होगी, क्योंकि महमल को ये लगता था कि हैदर कभी किसी और के साथ शादी कर नहीं सकता, वो सारी जिंदगी मेरे ही गुन गाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हैदर की शादी हो रही होगी फाइनली दिलनशी के साथ, तो उसके लिए भी एक बहुत ही दर्दनाक बात होगी। अब आप कह लो कि मतलब दो लोग इस ड्रामे के मेन ऐसे विलन तैयार हो गए हैं जिन्होंने सिर्फ लेना है बदला, एक है हमारे पास महमल और दूसरे नंबर पर हमारे पास है हमजा। ये आगे जाके क्या करेंगे आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा शादी की पहली रात, आपको पता है कि जो अक्सर शरीफ और अच्छी लड़कियाँ होती हैं वो हर चीज़ को क्लियर करना बेहतर समझती है। दिलनशी क्या करेगी, अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता देगी कि किस तरह से वो प्यार करती है हमजा से, शादी की इन सर्कमस्टांसिस में उसने की। तो हैदर को ये बात बहुत ही बुरी लगेगी, वो कहेगा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। वो इसका बाजू पकड़ के इसको कमरे से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन धोखा नहीं। अब दिलनशी बेचारी बाहर लॉन में बैठी रोती रहेगी सारी रात, उसका बहुत ही होगा बुरा हाल, और ऊपर से फैसल कुरैशी एज हैदर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे, ऊपर से साथ साथ वो लॉन में देख रहा होगा अपनी बेगम को, उसे समझ नहीं आएगा उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फाइनली दिल बड़ा करके जाएगा उसके पास, जब आपको ये दिखाया जाएगा कि फाइनली दिलनशी घर छोड़ के जाने लगेगी, तो उसे कहेगा कि जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी तुम खफा हो जाओ, लेकिन मुझसे कभी रूठ के छोड़ के नहीं जाना। ये उसको अपने कमरे में लेके आएगा और उसे कहेगा कि हमें जज्बात में आके कभी भी कोई बुरा डिसीजन नहीं लेना, अब हमें एक दूसरे का साथ देना सारी जिंदगी। यहां पर यही बात करेगी इसके साथ दिलनशी भी कि आपको भी अब मेरा हर तरह से साथ देना है। अब सबसे पहले तो डेफिनेटली हमजा मिलने का कहेगा दिलनशी को, कहेगा कि मुझे एक बात तुमसे क्लियर करनी है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। ये नहीं मिलने के लिए राजी होकर उसको फोर्स करेगा, ये कहेगा कि मैं घर आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिसकी वजह से लड़की हो जाएगी मजबूर उसके साथ। जब वो गाड़ी में बैठ के कहीं जाने लगेगी तो ये सीन देख लेगा कौन, हैदर। हैदर जब ये सीन देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अच्छा इसका हमजा के साथ अभी भी चल रहा है चक्कर और अब इसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करेगा कि मतलब फॉर द टाइम बीइंग इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी बात सुन के आ जाएगी दिलनशीन, तो आके देखेगी रात के टाइम क्या हो रहा है। जैसे ही हैदर मी ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो सिंपथी की बेस पे महमल जो है वो हैदर को हक कर रही है, कभी उसके साथ बातें कर रही है, कभी उसके साथ हंस रही है। तो ये चीज़ अब इसको भी बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी सोचेगी कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हैदर जब वो करते हैं मुझसे प्यार। अब एक तरह से ना मतलब यहाँ पर जो महमल है वो भी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसका भी अब एक ही मिशन है कि किसी तरीके से इनका घर तोड़ना। हैदर दिलनशी को देख के कहेगा कि ऑफिस से घर आते साथ ही अपनी बेगम को ब्लश करते देख के यहाँ पर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन आगे से वो उसको करारी सी बात लगा देगी कि आपने तो ये मुस्कान पहले कहीं और से देख ली है। यहाँ पर वो मतलब लड़ना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कि कैसी फजूल बातें कर रही हो। तो वो कहेगी कि आप मुझे चीट कर रहे हो,
आपका अफेयर चल रहा है महमल के साथ, तो ये आगे से उसके ऊपर फिर भड़केगा कि मैं चीट नहीं कर रहा, तुम चीट कर रही हो, तुम हमजा से मिल रही हो, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान बहुत सारी आपको फाइट्स दिखाई जाएंगी टाइम टू टाइम। महमल एक तरफ से सिंपथी की बेस पे बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करेगी हैदर की, और हैदर भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है क्योंकि वो उसके साथ कभी प्यार करता था, और दूसरी तरफ ये चीज वो जानबूझ के कर रही है जलाने के लिए दिलनशी को, और दिलनशी को जानबूझ के फूल भेज रहा है, कभी उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, उसको बार बार पेनिट्रेट कर रहा है हमजा ताकि इसका घर खराब हो। अब इसने जो मेरे साथ इतनी ज्यादती की तो इसको भी मजा चखाना बनता है, यहाँ पर उसके आगे बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसी के हस्बैंड को यानी कि हैदर को वो इस बात का एहसास दिलाएगा कि भैया दिलनशी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। दोनों हमजा और महमद इन दोनों की तरफ अच्छी खासी दरार पैदा करने में हो जाएंगे कामयाब, जिसके नतीजे में आप लोग देखोगे कि भैया लड़ाइयां इतनी ज्यादा स्वेर किस्म की होना शुरू हो जाएंगी कि एक दफा आपको यह कहते हुए दिखाई जाएगा हैदर को कि मुझे महमद से शादी करते कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, और दूसरी तरफ से आपको दिखा दीजिएगा कि दिलनशी भी कहेगी कि मुझे भी फिर अफेयर करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि इस कपल के दौरान इतनी सीरियस किस्म की फाइट्स आपको दिखाई जाएंगी कि ये फाइनली सेपरेट हो जाएंगे, मतलब डिवोर्स नहीं करेंगे सेपरेट हो जाएंगे। आपको दिखाया जाएगा कि हैदर फाइनली रहना शुरू हो गया महमल के साथ, और दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाया जा सकता है कि दिलनशी भी रहना शुरू होगी हमजा के साथ। अब जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एज ए हस्बैंड वाइफ और रहना शुरू हो जाएंगे अपने एक्स लवर्स के साथ, तो ग्रेजुअली इन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके अब इस लवर में नहीं है लेकिन अपने लाइफ पार्टनर में वो मौजूद। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ पार्टनर का वो प्यार, वो केयरिंग, और सबसे बढ़ के एक दूसरे के लिए एक अच्छी नीयत का होना। यहां पर जब ये कपल्स सेपरेट हो जाएंगे, हमजा रहना शुरू हो जाएगा दिलनशी के साथ और उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा, बार बार उसको ताने देगा कि तुम मुझे छोड़ कर चलेगी, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, और दूसरी तरफ महमल भी अपना जहर टाइम टू टाइम उगलेगी, तो दोस्तों दोनों को फिर इस बात का एहसास होगा कि कुछ ना कुछ तो कुदरत की बेहतरी थी जिसकी वजह से हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, मतलब किसको, हैदर को और दिलनशी को। और इसके बाद आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में हैदर और दिलनशी को ही आपस में एडजस्ट होते हुए दिखाया जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आपने देखा कि सिर्फ ओवरव्यू देते ही वीडियो कितनी लंबी होगी, मैं आपको किसी दूसरे रिव्यू में बताऊंगा कि ड्रामे की अगली एपिसोड्स में आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे, ऐसे कौन सा सीन्स होंगे जिनको देख के आप लोग हो जाओगे हैरान, आपको इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि भैया स्टोरी कुछ इसी तरीके से चलेगी नहीं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो आज तक बस इतना, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है, तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।